सर। हेलो मैम, दिस इज नीतीश कुमार फ्रॉम जाइलो पेंट्स। बेसिकली वी आर पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम लोग पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बेसिकली सभी टाइप्स के पेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, बट जिसमें हमारे पास कुछ जो है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जो पेंट इंडस्ट्रीज में जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। पेंट इंडस्ट्रीज बेसिकली इन प्रॉब्लम को ये कर रही है, क्रैक्स। ये जो हमारा आइडियल प्रॉब्लम है ये सभी पेंट इंडस्ट्रीज में आया है। अनुलेशन, हीट प्लास्टर, लीकेज, फंगसन, एल्गी फॉर्मेशन, रस्टिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ग्राउंड वाटर लीकेज, लॉन्ग पेंटिंग प्रोसेस एंड लार्ज इन्वेंट्री। तो अब क्रैक्स के लिए क्या है, हमारे पास इलास्टोमेरिक पेंटेबल पुट्टी है, जो वर्ल्ड्स की फर्स्ट इलास्टोमेरिक पेंटेबल पुट्टी है। ये एकलौती ऐसी पुट्टी है जिसे हम रोलर से लोड कर सकते हैं, उसके बाद फिर एल्युमिनियम रोड से इसे अनलोड कर सकते हैं, जिसके कारण दो फायदे होते हैं। इसमें पहला फ़ायदा ये है कि हमारा टाइम इफिशियंट होता है, रोलर से लोड करते हैं और उसके बाद एल्युमिनियम रोड से अनलोड करते हैं, जिसके कारण इसमें टाइम काफ़ी कम लगता है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं। क्रैक्स डेवलप क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक इन नेचर होता है, ये 0 to 50 degree टेम्परेचर को रिटेन करता है, जिसके कारण इसके अंदर क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं। हमारा जो वेदर है हमारे दिल्ली का या फिर कोई भी हमारा जो एरिया चल रहा है ना, यहाँ पे टेम्परेचर जो है कभी 3 degree आप दिल्ली की देख लो फिर या फिर कभी 50 degree हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो उसके लिए हमारा ये सोल्यूशन है, ये मैजिक एक्सपी इज द सोल्यूशन फॉर क्रैक्स, जिसके अंदर क्रैक्स डेवलप नहीं होता है। और उसके बाद रीफ प्लास्टर पे हम लोग मेस यूज करते हैं, एक नाइलॉन मेस है जो प्लास्टर वीक होता है, तो उसके ऊपर हम लोग ये यूज करते हैं। और ये सिर्फ एकलौता ऐसा पुट्टी है मैजिक एक्सपी, जो मेस लगाने के बाद ये निकलेगा नहीं। दूसरा कोई भी पुट्टी अगर आप लगाते हो ना, ये मेस को निकालोगे ये निकल जाएगा, पूरा मेस निकल जाएगा, ये हमारा नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने ये लगाया हुआ है। और आप इधर देखिए, ये एक हमारा नया प्रोडक्ट है, एएसी बॉन्ड करके, ये हमारा सेक्शन देखेंगे, ये एएसी बॉन्ड करके है। ये एएसी ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर क्रैक्स आता ही आता है, क्रैक्स आने की इसमें 100% गारंटी है, क्रैक्स आएगी आएगी, इसके कारण हमने एक प्रोडक्ट बनाया है एएसी बॉन्ड करके। ये एएसी बॉन्ड क्या करता है, इसे क्रैक्स को रोक लेता है। ये भी इलास्टिक की नेचर होता है, 1 mm की थिकनेस पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम इसे पेस्ट करते हैं, इसके अंदर भी क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं। ये हमारा एक टाइलो करके मटेरियल आता है, इससे हम टाइल पेस्ट करते हैं। और हमारा एकलौता ऐसा पुट्टी है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जिस पुट्टी से हम टाइल को पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है ना, उनका बजट थोड़ा कम होता है, जिसके कारण हम लोग जो है कलर्ड प्लास्टर यूज करते हैं, कलर्ड पुट्टी, ये भी सिर्फ हम ही लोग करते हैं। ये कलर्ड पुट्टी हम लोग अप्लाई करते हैं, 2 coat पुट्टी अप्लाई करेंगे, उसके बाद सिर्फ 1 coat पेंट कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, उनका खर्चा बच जाएगा, ठीक है। और हमारा पुट्टी एकलौता ऐसा पुट्टी है जिसमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही सैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ये वॉशेबल पुट्टी है, ये वाटरप्रूफ पुट्टी है, ठीक है। ये देखिए, ये आप इस वॉल को आप देखोगे ना, ये हमने 10 degree टिल्ट किया हुआ है, ये दीवार टेढ़ा है, आप देखो दूर से, ये 10 degree टिल्ट किया हुआ दीवार है, ठीक है, सीधा दीवार हर कोई खड़ा करता है, हम लोग टेढ़ा दीवार करेंगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये मैं आपको, अब इसके पीछे लॉजिक ये है ना, ये रॉड जो हमने लगाया हुआ है, ये रॉड को हमारा मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से बाइंड किया हुआ है, जिसके कारण ये इतना हैवी स्ट्रक्चर, हैवी लोड स्ट्रक्चर भी जो है वो नहीं गिर रहा है आपने धक्का मार कर। अच्छा जी, ये हमारा इनोवेटिव प्रोडक्ट, ये हमारा इन्वेंशन है, सीधा कोई भी खड़ा कर सकता है, हम लोग तिरछा खड़ा कर देते हैं, सीधा तो कर ही देंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट है रस्ट। अब आयरन के ऊपर क्या होता है, एमएस शीट के ऊपर क्या होता है, रस्ट आता है, तो जिसके कारण हमारा एक प्रोडक्ट है ये, इसके ऊपर पूरा रस्ट लगा हुआ था, इसको आराम से सैंडिंग करके हमने अप्लाई कर दिया अपना रस्ट। ये क्या करता है, ये रस्ट को फिर से आयरन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, रिवर्सेबल प्रोसेस के, जिसके कारण इसमें रस्ट नहीं आता, ये ट्रांसपेरेंट भी होता है एंड पिगमेंटेड भी होता है, इसके ऊपर भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है ना ही सैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, इसे हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है 800 आवर का साल्ट स्ट्रेट टेस्ट को पास किया है रस्टो ने। आप नमक के फैक्ट्री के पास कोई भी बिल्डिंग हो, उसके अंदर आप देखोगे रस्ट की प्रॉब्लम कॉमन है, रस्ट वहाँ पे आएगा ही आएगा, बिल्कुल, बट अगर आप रस्टो यूज़ करते हो वो रस्ट नहीं आएगा। और हमारा प्रोडक्ट है रैप एंड पी, ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, ये पेस्ट के फॉर्म में आता है,
उसके बाद घर के अंदर आपका कोई भी काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है, या फिर आपने पेंट करना है, पुट्टी करना है, ऊपर पीओपी करना है, फॉल सीलिंग करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, अब जैसे आपने इटालियन लगाया हुआ है, इटालियन की हार्डनेस कम होती है, सॉफ्ट पत्थर होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, उसकी अगर पूरी घिसाई हुई है तो उसके बाद आप पेंट या पुट्टी कर रहे हो तो उसके अंदर स्क्रैच आता है, स्क्रैच आता है तो फिर उसे हम कंपनसेट नहीं कर सकते, तो उसके कारण लोग क्या करते हैं, उसकी घिसाई नहीं करवाते हैं, बाद में फिर घिसाई करवाते हैं पहले पेंट पुट्टी करवाने के बाद। बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं, आप सारी घिसाई करवा लो, उसके बाद ये हमारा मटेरियल लगा दो, ये पेस्ट के फॉर्म में आता है, इसे ब्रश से लगाते हैं, ये पेस्ट के फॉर्म में आता है, इसे ब्रश से अप्लाई करते हैं, ब्रश से जस्ट रेप इट एंड पील इट, और ये आसानी से निकल जाता है, इसे आसानी से निकाल लेते हैं। अच्छा। ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। हम लोग इन्वायरमेंट को कोई भी, हमारा हनी कोटिंग के लिए है, ये सीलर फिनिश में है, ये मैट फिनिश में है, ये हमारा ग्रॉस फिनिश में है, ये पीयू एंटीक है, ये पीयू ग्लॉस है, उसके बाद ये हमारा एनसी वुड कोटिंग है, ये लैक्वर्ड, ये सेलर, ये एंटीक, ये मैट में है, ये फिर ग्लॉस है, ये सीमेंट बोर्ड और ये सीमेंट बोर्ड, जिप्सम बोर्ड, ये सब आता है ना मार्केट में, तो उसके ऊपर भी हम लोग अपने कुट्टी को डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। हमारा लग्जरी इमल्सन है सिल्कीना, ये हमारा प्रीमियम इंटीरियर इमल्सन है स्पेड, ये हमारा एक्सटीरियर के लिए प्रीमियम एक्सटीरियर इमल्सन जी, ठीक है, और ये इंटीरियर इमल्सन है डिस्टेंपर इंटो, ठीक है, फिर ये हमारा वेदर टच है, एंटी फंगल एक्सटीरियर का। अच्छा, ये सारे पेंट हैं इसके अंदर? सारे पेंट, ये आप देख लो यहाँ पे, इसमें आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स है, क्रैक्स, अंडुलेशन, या फिर ये हम पे जो भी लिखा हुआ है, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, आप इस पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी, ये आप नंबर सो हो रहा होगा। थैंक यू।